अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो हम बना रहे हैं, चूँकि मेरा और मेरी सिस्टर का प्रोग्राम बना था कि हम किसी करीब के किसी अच्छे स्पॉट पे जाएंगे, तो उसी को आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि हमारे मुजफ्फराबाद के करीब ऐसी कौन सी अच्छी जगह जिधर हम जा सकते हैं। तो हमारे जहन में एक स्पॉट था दरियाए नीलम के साथ साथ, अगर हम जाएं तो ये आता है तकरीबन पटिखा कोड़ी वाली साइड पे, तो उसी साइड पर आज हम जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलें, देखते हैं कि कैसी जगह है, हम आपको भी दिखाएंगे। सो चलते हैं, लेट्स गो। मैं तो हो गया हूँ रेडी भाई। हम लड़कों का तो यही तो सीन होता है कि हम 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। बहरहाल अभी बेगम साहब मेरी तैयार हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो इतनी देर में हम अपनी सिस्टर को लेके आते हैं, वो भी इधर साथ ही हमारे घर के रहती हैं, तो चलते हैं उनको, तब तक हम लेके आते हैं ताकि हमारा कोई टाइम बच सके। हेमन सा किधर जा रहे हो आज? नो लिफ्ट, चलते हैं हम। अच्छा क्या हुआ था आज? मैं भाग रहा था गिर के स्कूल में। गिर गया स्कूल में? हाँ, पैर हो गया। तो ऐसी उछल कूद क्यों करते हो कि आपके पैर को कुछ हो जाए? प्लेग्राउंड में थे। आपने क्या किया आज? खेला। इसको तो नहीं लगा। खेला? इसको नहीं लगा। और कुछ नहीं किया? पढ़ा छड़ा नहीं है कुछ? पढ़ा भी है। अच्छा तो यहाँ से होता है हमारे वन डे ट्रिप का आगाज। चेले से होते हुए हम जब नीलम वैली की रोड पे चढ़ेंगे तो वहाँ से आगे पटिके के लिए हमें आधा पौना घंटा लगेगा। दिन का जो हमने लंच करना है वो हमने मार्को पोलो होटल पे करना है, क्योंकि वहाँ पे देसी फूड्स अवेलेबल हैं। सो हम वहाँ पे दिन का लंच करेंगे और उसके बाद जाएंगे पटिका जू में। अच्छा जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं पटिक्का बाज़ार। अभी हम क्रॉस करके पार आए, चौक से हम राइट साइड मोड़ गए और अभी गाड़ी हमने इधर पार की है। इधर एक जगह है वैली ट्रेकर्स, उधर हम जा रहे हैं नीचे, देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, तो हम आए थे वैली ट्रेकर्स पे, चूँकि हमने खाना है दिन का खाना, अभी हमने खाना है तो हम जाएंगे मार्को पोलो, क्योंकि खाने के मामले में हम कोई चांस ही ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मार्को पोलो पे, तो वैसे ये भी एक अच्छी जगह है, एक अच्छा व्यू है इधर से भी। यहाँ पर भी लंच वगैरह आप कर सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो हम अभी जा रहे हैं मार्को पोलो पे, तो चलते हैं वहाँ पे। Thank you.
छाना खा लिया है, पेट शेट भर लिया है। अभी हम जा रहे हैं पटिका जू, उधर जाके देखेंगे। सुना उधर रिच शिच भी आ गया है। चल ऐसे बच्चे देखेंगे हम वहाँ पे। वली आप क्या कह रहे हो, डंकी सींग मारेगा? सींग नहीं, सर। सर? अच्छा सर मारेगा। सर इसका मतलब था वो इसने सर को सींग बोल दिया था। डंकी किक करता है। डंकी डंकी नहीं डंकी डंकी डंकी। अच्छा तो मार्को पोलो से हम जब आए इधर तो नीलम वैली वाली रोड पे थोड़ा ही आगे आके पटिका से यहाँ से ऊपर रोड चढ़ती है, फॉरेस्ट वालों का एक स्टॉप है इधर। तो यहाँ से हमने ऊपर आना है इस जू के लिए। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर चलते हैं। बस थक के इतना ही था आपका। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा था। नहीं नहीं थक के अभी आपके ऐसे में बिल्कुल भी नहीं थकता। मैं नहीं थकता, ये लो चलो। बालू रिच, उठ उठ, रिच आ गया, रिच रिच। नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं करो, सही है, ऐसे नहीं करो। एक और बिंद्रा बना रही है। बालू बउआ बउआ बउआ, वो खतरनाक है। पंजा देखो कैसे मारेगा। मिंसा चूंच मारी है उसने। मिंसा को अभी मिंसा हाथ रख रही है। मिंसा वो आपको मिंसा के हाथ से चूंच मारी है मोर ने। मिंसा क्या किया इसने, क्या कर दिया? अच्छा हाँ मारा मोर ने। क्या हुआ ए? मौल नहीं, मौल। मौला है। तो व्यूवर्स फाइनली हमने दिन को लंच भी कर लिया मार्को पोलो होटल पे, और शाम को भी हमने जू पे विजिट भी कर लिया। अभी हम वापस निकलने लगे हैं, शाम के 5 बज चुके हैं। हम तकरीबन दिन को 1:30 बजे मुजफ़्फ़राबाद से निकले थे और अभी शाम के 5 बजे हम वापस मुजफ़्फ़राबाद को निकलने लगे हैं। मैक्सिमम आपके पास 4 to 5 आवर्स भी हों तो आप ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।